और मैं देखो अभी कहाँ पे बैठा हुआ हूँ, सब कुछ टूट गया इसका। सो गाइज मैं तो अभी हाईवे पे चढ़ा था, मुश्किल से 1-2 किलोमीटर चलाऊंगा और देखो मुझे क्या दिखा। बाबा देख लो आपकी भक्ति में कितनी शक्ति है। अंकल ने हमें दिए ब्रेड, बोले चाय पानी के साथ खा लेना। तो गाइज ये बाबा मिले हमको मुजफ्फरनगर में, इन्होंने अपनी स्वेच्छा। तो ये आ गया मेन मार्केट मुजफ्फरनगर का। हरे हरे शंभु शंभु, जय शिव शंभु, जय हो सनातन धर्म की। तो गाइस स्वागत है सभी का आज के न्यू ब्लॉग में। कैसे हो आप सभी? आज दस ही नहीं है, आज मेरा 8वां दिन है जयपुर से चार धाम की यात्रा का साइकिल पे। और आज मैं पहुंच गया हूँ मुजफ्फरनगर की बॉर्डर पे हूँ, यहाँ से मुजफ्फरनगर स्टार्ट है। और ये मंदिर है जहाँ पे मैंने रात को जो है स्टे किया था, कल के ब्लॉग में देखा होगा आपने, मैंने दिखाया था रात को आपको। तो ये था मेन मंदिर और जहाँ पे मैं रुका हूँ ये है पंडित जी का आवास जहाँ पे वो लोग रहते हैं। और ये बिल्कुल सामने ही जो है ना, वो जो दिख रहा है ना आपको, वो है मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज। और ये यहाँ का कुछ एरिया था कुछ इस टाइप का, देखो यहाँ पे पंडित जी लोग रहते हैं। और ये यहाँ का मंदिर था। और हमारी गंगा भी ऑल सेट है, बिल्कुल एकदम रेडी होके सारे बैगों को अपने कंधे पे रख के, और स्टैंड गंगा का सही हो गया, कल मैं सही करवा के लेके आया था, देखा होगा आपने कल के ब्लॉग में। तो अभी का सीन ये है 6:30 बज गए हैं, तो चलो आज हम लोगों को कोशिश करनी है कि हरिद्वार हम लोग पहुँचे, जो कि यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर के आसपास है। तो आज हम हरिद्वार पहुँचने की कोशिश करेंगे, 6:30 बज गई हैं, चलो फटाफट निकलते हैं और हमारी जो चार धाम की यात्रा है उसको शुरू करते हैं। एंड गाइस आप लोग अगर किसी भी तरीके से मेरी इस यात्रा को सपोर्ट करना चाहते हो ना, तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और किसी भी और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना मेरी वीडियोज़ को, बस यही आप लोगों का सपोर्ट है। तो चलो गाइस मंदिर से तो कुछ दूर आ गया हूँ मैं, और यहाँ पे देखो कितनी मस्त जगह आई है। और ये सामने जो आप बगीचा देख रहे हो ना, ये आम का बगीचा है, देखो कितने सारे आम आ रहे हैं इनके अंदर, देखो हर पेड़ के अंदर बहुत सारे आम आ रहे हैं, बहुत सारे। ये देखो उस वाले पेड़ में तो बिल्कुल साफ दिख रहे होंगे, देखो ये सारे आम ही आम है। और हमारी गंगा यहाँ खड़ी हुई है मेन हाईवे पे, इतनी खूबसूरत रोड पे। सो गाइस मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूंगा लीडर साइकिल्स को, जिन्होंने हमें स्पॉन्सर किया है ब्रांड न्यू साइकिल। तो आप लोग उनकी वेबसाइट को जरूर से जाके चेकआउट कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। देखो यहाँ से दो रोड जा रहे हैं, एक तो मेरे राइट में है, एक ये वाला है जिसपे मैं जा रहा हूँ, ये वाला। तो दोनों ही हरिद्वार जाते हैं। तो ये जिसपे मैं जा रहा हूँ ना, ये मुजफ्फरनगर सिटी में होके जाता है और वो बाईपास है, वो मुजफ्फरनगर के बाहर बाहर होके जाएगा। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं मुजफ्फरनगर सिटी में होके जाऊँ। 8 बज रहे और ट्रैफिक कुछ इतना है मुजफ्फरनगर में। बाकी रोड मुझे बहुत प्यारी लग रही है ये, क्योंकि इतनी साफ है, दोनों मेन बात ये दोनों तरफ पेड़ पौधे हैं, देखो इतने बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं दोनों तरफ। तो ये आ गया मेन मार्केट मुजफ्फरनगर का, ये देखो कुछ ऐसा मार्केट है यहाँ का, ये देखो। तो ये आ गई है कोई सर्कल, ये है लिखा तो है धनगर समाज सर्कल है, ये देखो। तो यहाँ पे कुछ ऐसा मार्केट है। तो गाइज ये बाबा मिले हमको मुजफ्फरनगर में, इन्होंने अपनी स्वेच्छा से हमें 20 रुपये दिए, बोले केदारनाथ के चरणों में 20 रुपये का प्रसाद जरूर चढ़ाना। इनका ठीक है बाबा, जरूर प्रसाद चढ़ाएंगे आपका। तो मुजफ्फरनगर में थोड़ा सा आगे चलते ही अंकल मिले हमें, क्या नाम है अंकल आपका? प्रवीण कुमार नाम है। अंकल ने हमें दिए ब्रेड, बोले चाय पानी के साथ खा लेना। बट अंकल मैं इसको कहाँ लेके बोलूँगा, चलो कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो गाइस ये जो अभी ब्रेड वाले अंकल थे भाई, इनका क्या कहना, आपने देखा होगा वो हीरो बुक पे थे, बट भाई आप किसी की पर्सनैलिटी से उसके अंदर की आत्मा को जो है जज नहीं कर सकते हो। उन्होंने हमें जो है अपनी स्वेच्छा से 500 रुपये की भेंट दी है, तो हम जो है उनके नाम का प्रसाद भी बाबा केदार के चरणों में जरूर चढ़ाएंगे। बाबा देख लो आपकी भक्ति में कितनी शक्ति है, एक अनजान को 500 रुपये की भेंट मिलती है। अब तक ये दूसरे इंसान है जिन्होंने हमें 500 रुपये की भेंट दी है, बाकी 100, 50, 20, 10 तो बहुत दी है, बहुत। लगभग 12-13 किलोमीटर चल लिया हूँ मैं। तो अभी गाइज मुजफ्फरनगर सिटी हमने क्रॉस कर दी है पूरी, बिल्कुल बीच में से निकले हम लोग मुजफ्फर सिटी के, और अभी आ गए हाईवे पे जो कि सीधा हरिद्वार को जाता है। मौसम कुछ ऐसा हो गया देखो, और रास्ता कुछ ऐसा है इतना प्यारा सा, दोनों तरफ पेड़, और ये हाईवे और ये हमारी गंगा। सो गाइज मैं तो अभी हाईवे पे चढ़ा था, मुश्किल से 1-2 किलोमीटर चलाऊंगा और देखो मुझे क्या दिखा। ये देखो भैया केदारनाथ 309 किलोमीटर, हरिद्वार 72 किलोमीटर। केदारनाथ का नाम देख के ना इतनी खुशी हो रही है गाइज, मैं इस टाइम पे अगर आप लोग होते ना आपके साथ पार्टी करता यही बैठ के, इतनी खुशी हो रही है केदारनाथ का नाम देख के।
हमारे 450 किलोमीटर के सफर में हमने पहली बार केदारनाथ का नाम रोड पे देखा है। बस 4-5 दिन और फिर इनके चरणों में होंगे हम। तो मैं तो हरिद्वार वाले हाईवे पे कंटिन्यू चल रहा था और एक और बड़ा सरप्राइज मिला मेरे को यहाँ पे मेन रोड पे ही, वो है मेरे पीछे ये देखो। एक तो आप यहाँ पे देखो यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, और एक आप वहाँ पे देखो केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ। तो हम जो चारों धाम कर रहे हैं ना, वो चारों धाम यहाँ पे मेंशनड है। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग बताना ये सरप्राइज कैसा लगा। तो केदारनाथ तो यहाँ से दिखा रहा है 312, यमुनोत्री 338, गंगोत्री 352 और बद्रीनाथ 378। तो सारे धाम 400 के अंदर ही है। सबसे पास वाला जो धाम है 312 किलोमीटर केदारनाथ है, और सबसे जो दूर वाला है वो है बद्रीनाथ 378। और यहाँ पे सिर्फ नाम ही नहीं, चारों धामों की फोटो भी लगी हुई है देखो। और यहाँ पे हो गया एक्सीडेंट, देखो कांच का शीशा फूट गया है, सब कुछ टूट गया इसका। तो सामने एक और फ्लाईओवर आ गया है ये देखो, ये वाला पूरी एनर्जी ये फ्लाईओवर खा जाते हैं मेरी, इनको देख के डर लगने लग गया मेरे को। सो गाइस, पिछले 3 घंटों से नॉन स्टॉप चल रहा था हरिद्वार पहुंचने की जल्दी में। सुबह 7 बजे से चल रहा हूँ और अभी 10:15 बज गए, और मैंने 3 घंटे के अंदर जो है 39 किलोमीटर कंप्लीट कर लिए। अब बस 60 किलोमीटर और बचा है हरिद्वार, तो कोशिश जारी है यार आज पूरी करने की, जी तोड़ कोशिश कर रहा हूँ। और उसी कोशिश में है ना मेरे घुटने जवाब देगा यार, भयंकर वाले दर्द कर रहे घुटने। तो अभी मेडिसिन बॉक्स निकाला है और इसमें ये वाली ट्यूब है दर्द की, जो कि मेरी मम्मी की है। तो ये ट्यूब मम्मी ने दी थी मेरे को, बोला था दर्द होगा तब लगा लेना। तो अब इस ट्यूब का काम आ गया है, चलो घुटनों में लगाते हैं। बहुत तेज दर्द कर रहे हैं घुटने यार। और मैं देखो अभी कहाँ पे बैठा हुआ हूँ, ये एक बीच में कुछ बना हुआ है, मेरे राइट में रोड है और मेरे लेफ्ट में भी रोड है और मेरे नीचे भी रोड है, ये भी रोड है नीचे पुलिया, और ये ऐसा कुछ ट्राइंगल जैसा बना हुआ है यहाँ पे, तो मैं वहाँ पे बैठा हुआ हूँ ये देखो। और हमारी गंगा यहाँ खड़ी हुई है, सो गाइस हाईवे पे देखो कितना भयंकर जाम लग रहा है यहाँ पे, मेरी साइकिल भी नहीं निकल पा रही है, इतना जाम लग रहा है। आधा ट्रैफिक तो उस साइड से भेज दें जाम की वजह से, बाकी जो जा रहा है वो रुक रुक के जा रहा है। तो चलो गाइस फाइनली हम लोग उत्तराखंड में एंटर कर गए। ये पीछे जो पुलिस चौकी थी ये मंगलोर पुलिस चौकी थी, जो कि उत्तराखंड में आती है, और यहीं पर जाम लगा हुआ है तेज वाला। तो गाइस देखो उत्तराखंड में घुसते ही हमारा स्वागत भी हो गया है, देवभूमि उत्तराखंड में आपका हार्दिक स्वागत है। हर की पेड़ी, हरिद्वार, नीलकंठ मंदिर, केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम। और बस आज शाम तक हम लोग हरिद्वार होंगे महादेव ने चाहा तो। और ये हमारा 5वां स्टेट है जो हमने साइकिल से आज फाइनली क्रॉस कर दिया है। पहला स्टेट था राजस्थान, दूसरा हरियाणा, तीसरा दिल्ली, चौथा यूपी, उत्तर प्रदेश, और 5वां उत्तराखंड। छोटी बात नहीं है साइकिल से 5 स्टेट जो है कवर करना। 5 दिन में हम लोगों ने 5 स्टेट कवर किए हैं, क्योंकि 12 बज गई हैं और 12 बजे की धूप आप जानते हो कितनी तेज़ होती है। तो फिर भी मैं साइकिल चला रहा हूँ क्योंकि आज हरिद्वार पहुँचना है कैसे भी करके, मैं आज रेस्ट नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी। ये देखो बॉर्डर के पास का उत्तराखंड कुछ ऐसा दिखता है, थोड़ा थोड़ा यूपी का टच है क्योंकि यूपी बिल्कुल बगल में ही है ना। तो गाइस यहाँ एक और एक्सीडेंट हो चुका है देखो। हाँ ये देखो इसमें भेड़ी है, सुबह से 2 एक्सीडेंट देख चुका हूँ मैं। तो गाइस हरिद्वार 41 किलोमीटर, हरे हरे शंभु शंभु। और अब बस 60 किलोमीटर और बचा है हरिद्वार। शंभू शंभू शंभू।